ठीक है, फिर से पूछते हैं, ठीक है, पैर खोल दो, कैसे है ना, माय नेम इज अमित तिवारी, हैंड मून के साथ, ठीक है, आपका अंदर का डर खत्म हो रहा है? यस सर। कैसा फील हो रहा है? सर ठीक फील हो रहा है सर। गुड, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? यस सर। पहले फर्स्ट डे आपका कैसा लग रहा था कि अंदर से हमें बोलने में बहुत हेजिटेशन था ना? यस सर। अब खत्म हो गया है? यस सर। डायरेक्ट घर में होता है ना, मम्मी पापा कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छे से बोलता है, ये बेटा बहुत शांत रहता है, नहीं बोल पाता, लेकिन बहुत जो अच्छा बोलते हैं उनकी तारीफ होती है ना, बोलता है ये नहीं बोलता है, भोदू टाइप का है। आप इस चीज के ऊपर काम कर लोगे, कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे पहुंच जाएगा, मजा आएगा बोलने। ये तो हमें पता चल गया, आप सभी के पास जो भी था अंदर से जो डर बना था, हमने थ्री वीक में ये चीज लगभग 50% तो खत्म कर दिए है, 50% से वह भी हो सकता है, बराबर ना, लेकिन हमें पूरा खत्म करना है आपके अंदर का फियर। हाँ, और ये हमें साबित करना है कि आप कितने भीड़ में पहुंच गए हो, आपके पास कितने क्राउड्स हो, लेकिन वहां पे हमें क्या करनी है, अपने जो स्पीक हमने जो लाउडली बोलने का जो हमने सिखा रखा है, आपको जो बोलने का हमने जो प्रैक्टिस कराया है, उसे क्या करना है, कहीं भी जाके हमें बोलना है। प्रत्येक सैटरडे को हम सर मिलकर आप सभी का डर खत्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर के सर हमारे कुछ आएंगे, आप लोगों को अच्छे एक स्टेटमेंट में जो है ना, आप सभी को अच्छी बातें बताएंगे, उस बात पे आप लोगों को केयरलेस नहीं होना है, केयरफुल होना है, क्या होना है, केयरफुल होना है, और सभी बातों को ध्यान में रखना है, और उसे फॉलो भी करना है, क्या करना है, फॉलो करना है। थैंक यू, ठीक है, आइए वेलकम करो सर को हमारे, क्लैपिंग दो, वेरी गुड। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है ना? yes, एक बार सर के लिए क्लैपिंग करिए। आज भी सर ने बहुत ही अच्छे से अपनी बात को बोले, हैंड मूवमेंट के साथ, वर्ड की क्लैरिटी, लाउड जैसा सर बोल रहे हैं ना, उसी को आप सभी को फॉलो करना है, ठीक है। आज हम कुछ टेप के बारे में बात करेंगे जो आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सर यहाँ पर आ जाइए, आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के ऊपर, हिंदी में बोले तो आत्मविश्वास। बहुत सारे लोगों के अंदर निराशा, दुख, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। जैसा सर सेशन ले रहे थे, आप सभी को बता रहे थे, कुछ लोग के मन में ये आता होगा कि मैं पता नहीं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, आ रहा था, डर लग रही थी, ये आत्मविश्वास की कमी है। और कुछ लोगों के अंदर ये आ रहा था क्या, मैं बोल लूंगा। कौन ऐसा है जिनके अंदर आवाज आ रही थी, मैं बोल लूंगा? वेरी गुड, बहुत, हाँ तालियां बजाएं इनके लिए। अब जिनके अंदर ये आएगा कि मैं बोल लूंगा, वो आत्मविश्वास के साथ हैं। अब जिनके अंदर ये आता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो आत्मविश्वास की उनके अंदर कमी है। ऐसा ना सोचे मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो मैं गलत हूं, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी आत्मविश्वास की कमी के साथ बहुत साल तक रहा, मैं भी बोल नहीं पाता था, बोलने में अटक जा रहा था, लेकिन अब मैंने अपने आत्मविश्वास पे काम किया। अब आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम कुछ स्टेप के बारे में जानेंगे। आपके सामने मैंने बोर्ड में लिखा है वर्क स्मॉल। आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बड़े बड़े काम पहले नहीं करना है, छोटे छोटे स्टेप में आपको अपने वर्क को बांट देनी है। अगर आपको बोलने की कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना है तो उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप के साथ आगे बढ़ना है। अब छोटे छोटे स्टेप है क्या, आपको 2 मिनट का वीडियो घर पे बना लेना है, ठीक है, मम्मी से बोल देना कि सर ने कहा है कि 2 मिनट वीडियो बनाने के लिए, और उस वीडियो में क्या बोलोगे, कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन दो, जैसा कि मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा नाम अमित तिवारी है, आज मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी पोयम बोलने वाला हूँ, तो अपनी पोयम बोल दो। इसी प्रकार का वीडियो आप सभी को डेली बनाना है 2 मिनट्स का। सेकंड क्या है, आपको 5 मिनट के लिए मिरर प्रैक्टिस करना है। मिरर मतलब क्या होता है, कांच के सामने 5 मिनट के लिए बोलना, जो भी आपको पता है, आप 5 मिनट लिए आप बोलने की प्रैक्टिस करो। जैसे हफ्ते में इधर होता है सेशन, क्लास होती है, एक हफ्ते में क्या बोलना उसके लिए पहले से प्रैक्टिस कर लो, मजा आएगा इधर बोलने में, ठीक है। कुछ भी स्टोरी याद रख लो
अब सोचो कि मैं एक हफ्ते बाद जो क्लास चलता है मैं खड़ी होकर के बोलूंगी सर मुझे कहानी याद है, मैं बोलूंगी सभी के सामने, उसके लिए पहले से एक हफ्ते पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग आपको जैसा क्लास चल रही है ये भी पब्लिक स्पीकिंग ही हुआ, सभी के सामने बोलना, ठीक है। पहले आप क्लास में बोल लो, फिर आपको भविष्य में जब स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा। स्टेज पर जाने का कब मौका मिलता है? जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तब अपने किसी भी टॉपिक तैयारी करके महात्मा गांधी के ऊपर या 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है ऐसे ऐसे टॉपिक की तैयारी करके आप बोलेंगे। लेकिन पहले आपको क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप, पहले आप घर पर तैयारी करो। ऐसा नहीं कि आपने तैयारी नहीं किया और स्टेज पर चढ़े जाओ, स्टेज पर चढ़ जाओगे आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, नॉलेज की कमी की वजह से भी कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म होता है। पहले अपने नॉलेज को बढ़ाओ, फिर बोलने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे बोलने की प्रैक्टिस, अच्छे से आप बोल पाओगे। अब इसके बाद है सेकंड, डेली वर्क। डेली वर्क का मतलब है कि आपको अपने ऊपर रेगुलर काम करना है। अगर आप ये सोचते हो मुझे एक इफेक्टिव स्पीकर बनना है, मुझे स्टेज पर बोलना है सभी के सामने, जैसा घर में होता है ना, मम्मी पापा कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छे से बोलता है, ये बेटा बहुत शांत रहता है, नहीं बोल पाता, लेकिन बहुत जो अच्छा बोलते हैं उनकी तारीफ होती है ना, बोलता है कि ये नहीं बोलता है, भोदू टाइप का है, कुछ नहीं मालूम, ऐसा नहीं है। अब आपको अपने ऊपर काम करिए, बोलने का डर को हटाइए। इसके लिए आपको डेली वर्क करना पड़ेगा। डेली वर्क क्या करना पड़ेगा, 2 मिनट का डेली वीडियो बनाना है, 5 मिनट मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है बोलने का, और तीसरा क्या करना है, प्रैक्टिस करने के बाद क्लास में आकर के स्पीकिंग करना है, बोलना है, इसी के ऊपर आपको काम करना है। जब आप इस चीज के ऊपर काम कर लोगे, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा, मजा आएगा बोलने को, ठीक है। तो ठीक है सभी लोगों को, आपने मेरी बात को ध्यान से सुनी, थैंक यू सो मच। इन सब बात पे ध्यान रहेगा ना।